60 चलो ठीक है भाई। तो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे, क्योंकि यही दुआ है मेरी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं गांधीवाग का गार्डन आया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तो दोस्तों चलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे गांधीवाग का गार्डन। आज है ईद का दिन चल रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं किस तरीके की भीड़ है गार्डन में। चलिए जल्दी जल्दी एक्सप्लोर करेंगे। जो चैनल पर नया है सब्सक्राइब ज़रूर करना और भाई को सपोर्ट ज़रूर करना। चलो दोस्तों मिलते हैं वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, दोस्तों देख सकते हैं हम लोग आ गए गांधीवाग के गार्डन। ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हमने टिकट ले चुके हैं यहाँ पर, टिकट देख सकते हैं 5 रुपये टिकट है। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने टिकट ले लिया है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। तो आज तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है गांधीबाग का। दोस्तों यहाँ की खूबसूरती देख सकते हैं आप, कितना प्यारा और कितना खूबसूरत गार्डन है ये। छोटा सा बच्चों के लिए काफ़ी प्यारा गार्डन है ये, और यहाँ पे बच्चे लोगों का एंजॉयमेंट चालू है दोस्तों, देख सकते हैं आप हमेशा की तरह। तो दोस्तों देख सकते हैं पांडा ट्रेन जा रही है यहाँ पे। पांडा ट्रेन में बच्चे लोग एंजॉय करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है। हमारे अपनन भाई भी आ गए। और अपनन भाई बहुत बढ़िया बढ़िया, अलहमदिल्ला ठीक है। चलो घूमो फिर, मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का नज़ारा है। यहाँ काफी मस्ती चालू है जैसे कि आप देख सकते हैं हमेशा की तरह। चलिए इस तरफ देखते क्या है। तो अंदर अभी जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देख सकते हैं उस तरफ है बच्चों का प्ले जोन आप देख सकते हैं, और इस तरफ से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बना हुआ है। बच्चे यहाँ पे काफी स्टैचू बने हुए काऊ के आप देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का नजारा है यहाँ पर आप देखिए। दोस्तों ईद का समय चल रहा है तो यहाँ पे काफी लोग आए हैं एंजॉय के लिए। इधर बच्चे लोगों का एंजॉयमेंट चालू है देख सकते हैं आप। चलिए उस तरफ चलते हैं। यहाँ देखो बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप। और कुछ इस तरीके का नजारा है। यहाँ देख सकते हैं एयरफोर्स का जेट प्लेन खड़ा है दोस्तों, छोटा सा देखिए, काफी खूबसूरत है छोटा सा जेट प्लेन। चलिए इस तरफ बच्चा है, देखते क्या कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं बच्चे अंदर घूम रहा है। यहाँ पर है जेट प्लेन सामने से, यहाँ से दोस्तों मैं वहाँ से घूमकर इधर से ऐसा राउंड होकर आया हूँ इस तरफ। हेलो, चलिए उस तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग प्ले जोन में आ चुके हैं। यहाँ छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है आप देख सकते हैं, और कुछ इस तरीके का नज़ारा है यहाँ पर। और इस तरफ है झूले वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोटिंग हो रही है, जिसकी टिकट 20 रुपये है। ये देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ 20 रुपये आप देख सकते हैं सामने में ही। और यहाँ पर आज तो नाव वाला झूला दोस्तों चालू नहीं है शायद। और देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है गार्डन में, काफ़ी भीड़ है आज। ईद का टाइम चल रहा है दोस्तों देख सकते हैं आज, इसलिए काफ़ी क्राउड है। चलिए
ये आया छोटा बच्चा, आया 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 आ गया। चलिए, और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हैं झूले में। दोस्तों घुमा 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 जोर से, ये चलिए आगे देखते क्या है। तो दोस्तों चलो दोस्तों, देख सकते हैं ये वाला झूला चालू हो गया, नाव वाला, जिसका टिकट 30 रुपीज है। इसकी टिकट अलग से लेना पड़ेगा आपको दोस्तों। चले दोस्तों, कुछ इस तरीके का माहौल है गांधीबाग गार्डन का, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है, वॉल पेंटिंग, जो कि काफी खूबसूरत लग रही है गार्डन में। बचपन की याद दिला रही है। चलिए बच्चे दौड़ रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं लोग अभी आ ही रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, काफी खूबसूरत खूबसूरत वॉल पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, पांडा ट्रेन आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, क्या बोलते? अरे तो फिर पीछे पीछे आ रहे क्या? और क्या बोलते सब? बढ़िया बढ़िया, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। समीर शालो हमें नहीं जान बोलता है जान। अभी तो परसों मिल के गया समीर शालो दुकान पे। हाँ चलो चलो भाई, ठीक है ठीक है। हाँ मेरी जान, चलो ठीक है भाई। हाँ मेरी जान, चलो चलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को एंड करने का टाइम अब आ गया है।
तो ये था गांधीबाग का गार्डन, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा नज़ारा था गांधीबाग गार्डन का। चलो दोस्तों अब बाहर एग्जिट आ रही है, बाहर निकलेंगे अब। चलिए तो ठीक है मेरे दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ भाई को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को जो भी नए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि दोस्तों आपका भाई नागपुर सिटी में बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहें, यही दुआ है मेरी। थैंक यू, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।